everyone. I am Dr. Navjot Simi. Welcome to my first session. So I get a chance to meet a lot of students in schools, colleges, my field visits, in my office. And there is one question that always comes up, that ma'am, we are a student of class 9th, 10th, or for that matter 11th or 12th. Please tell us how to begin our UPSC preparation. So I thought that my first session should be dedicated entirely towards this. So today's session will be dedicated for those students who are studying in class 9th and 10th and they want to begin their UPSC preparation. I have divided this session into largely 10 topics that include syllabus, general studies, newspaper, choosing optional, medium of examination, place of preparation, coaching, making your notes, values, and timetable. So we will begin our session with the syllabus. सबसे पहले जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं तो सबसे पहले यही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उस एग्ज़ामिनेशन का जो सिलेबस हमें दिया जाता है उसको बहुत अच्छी तरह से देख लें. सो द यूपीएससी सिलेबस इज़ अवेलेबल ईजिली ऑन इंटरनेट. सो आप उसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड कीप दैट प्रिंट आउट ऑन योर टेबल. तो आप उसको थॉरली एक बार उस सिलेबस को अच्छी तरह से देख लीजिए. आप सारा उसके जो भी प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, आप उसको थॉरली गो थ्रू कर लीजिए और सारे टॉपिक्स एक बार रीड कर लीजिए ताकि आप उसके साथ थोड़ा फेमिलियराइज हो जाएं. आप इस टाइम पे हो सकता है कि स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी सारे टॉपिक समझ भी ना आए, बट इस बात की आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, आप अपनी प्रेपरेशन करते जाएंगे तो आपको वो चीज़ें इवेंचुअली समझ आने लग जाएंगी. सो आप सबसे पहले यही बात पर ध्यान दें कि आप सिलेबस ज़रूर अच्छे से पढ़ लें. और इसके अलावा मैं ये भी बोलूँगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनके ऊपर भी ज़रूर फोकस करें. जैसे मान लीजिए आप लास्ट के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स के अगर हम क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो आप उसमें एक बार क्वेश्चंस देखिए कि जैसे जो उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें पूछे हुए हैं वो किस तरह से पूछे हुए हैं, कौन कौन से एरिया से पूछे हुए हैं. इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है जब हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो थ्रू दिस सिलेबस एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थॉरली बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द जनरल स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन. So the civil services examination is divided into 3 parts: prelims, the mains examination and the personality test. तो prelims में 2 papers होते हैं. There is paper 1 as well as paper 2. तो paper 1 general studies का होता है, paper 2 CSAT या फिर aptitude test का होता है. दोनों papers 200 marks each के होते हैं, but the second paper, that is the aptitude paper, that is just qualifying in nature. You have to score 33% marks to qualify that paper. जब हम mains की बात करते हैं तो there are 2 qualifying papers, paper A and paper B. Paper A में आप किसी भी एक Indian language को चुन सकते हैं. मान लीजिए अगर आप पंजाब से हैं, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मैंने पंजाबी चूज़ किया था. काफ़ी लोग हिंदी चूज़ करते हैं, मलयाली, कन्नड़, तमिल, एसमीज, बंगाली. तो आप जहाँ से भी हैं आप वो एक अपनी regional language paper चूज़ कर सकते हैं. Then the another paper is regarding English language. ये दोनों papers qualifying nature के होते हैं. इनको qualify करना ज़रूरी होता है, only then you will be evaluated for other papers. Apart from that, there are 4 general studies papers as well as 1 optional paper. GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3 and GS paper 4. ये सभी जो papers हैं, these are 205 marks each. इन सब में टॉपिक वाइज इनको डिवाइड किया गया है. जैसे कि जीएस पेपर 1 में देर इज़ इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं. जैसे पेपर 2 में हम पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इनके बारे में पढ़ेंगे. पेपर 3 में मान लीजिए जैसे कि इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ हैं, उनको हम पढ़ते हैं. पेपर 4 में है एथिक्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो इसके अलावा जो ऑप्शनल पेपर है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, पेपर ए और पेपर वन एंड पेपर 2. तो आप कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर इंटरेस्ट. और
इसके अलावा देन द थर्ड स्टेज इज द पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज़ फॉर 275 मार्क्स। तो इन सबको मिला के जो टोटल मार्क्स हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के, दैट कम्स आउट टू बी 2025। सो उसमें से आपका इवेल्युएशन होता है जो फाइनल लिस्ट जब आता है रिजल्ट के बाद। सो यू आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दोज मार्क्स दैट यू गेट आउट ऑफ टोटल 2025। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरल स्टडीज। यू मस्ट स्टार्ट योर प्रेपरेशन बाई रीडिंग NCERTs फ्रॉम क्लास 6 टू 12। आप में से काफ़ी लोग NCERTs ऑलरेडी अपने स्कूल करिकुलम में पढ़ रहे होंगे। सो इट डजेंट मैटर इफ़ यू कम फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड और CBSE और ICSE, तो आप NCERTs जो कि ईजिली अवेलेबल होती हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। एंड दीज NCERTs आर अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। सो आई वुड से दैट स्टार्ट योर प्रेपरेशन विद रीडिंग NCERTs। Now we'll talk about the newspaper. I believe many of the students must already been reading newspapers. So, अगर आप में से कुछ लोग नहीं भी पेपर पढ़ते हैं तो अब से ये एक हैबिट बना लीजिए कि आप न्यूज़पेपर डेली उसके थ्रू गो थ्रू ज़रूर करेंगे। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज का पेपर ले लीजिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज हो, आप एक बार उसको ज़रूर अच्छे से पढ़िए और उसको थोड़ा एनालाइज करने की भी कोशिश करिए। जस्ट ट्राई टू गेट अ होल्ड ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। फॉर UPSC प्रेपरेशन बेसिकली देर आर टू न्यूज़पेपर्स दैट आर बीइंग फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। जैसे मैंने पर्सनली द हिंदू फॉलो किया था। सो आप ये आई वुड से आप ये बाद में डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर चूज़ करना है। आप पहले एक सिंपल न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो हिंदू है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो इस टाइम पे शायद आपको बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी एक सिंपल न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एंड देन आफ्टर 4 to 5 मंथ इवेंचुअली यू कैन स्विच ऑन टू इधर हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। दिस विल हेल्प यू टू यू नो एनालाइज थिंग्स अराउंड यू। योर माइंड विल ऑल्सो गेट यूज टू इट। बाई डूइंग दिस यू विल गेट अ होल्ड ऑफ द न्यूज़पेपर। नाउ वी विल टॉक अबाउट चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। एज पर माई ओपिनियन यू शुड नॉट चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक अभी आपको सिर्फ अपनी NCERT, न्यूज़पेपर, इन सब पे फोकस करना चाहिए और ऑप्शनल की अभी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। सो UPSC क्लियरली mentions दैट अ कैंडिडेट कैन चूज either इंग्लिश और एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस दैट आर mentioned इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक बंगाली, एसमीज, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी बार नहीं है UPSC के द्वारा। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स राइट देयर एग्जाम इन इंग्लिश और हिंदी। मुझसे काफ़ी एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अगर हम हिंदी मीडियम ऑप्ट करते हैं तो क्या उसमें कम मार्क्स आते हैं या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, लैंग्वेज इज नो बार। यू कैन राइट योर एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस दैट आर मेंशनड। सो आप उस अपनी प्रेपरेशन उस लैंग्वेज में करिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो। सो आई वुड एडवाइज़ दैट खुद को इन सब मिसकंसेप्शन से दूर रखते हुए आप सिर्फ अपनी प्रेपरेशन पे फोकस रहिए और अपनी लैंग्वेज को लेकर कॉन्फिडेंट रहिए। उससे कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई कैन अश्योर यू दैट। सो ट्राई टू प्रिपेयर थॉरली इन एनी ऑफ द लैंग्वेज दैट यू लाइक। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेस ऑफ प्रेपरेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या प्रेपरेशन के लिए हमें दिल्ली जाना ज़रूरी है या फिर किसी बड़ी सिटी में हम जाकर ही अगर प्रेपरेशन करें तभी हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तो इतना ये जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स आजकल आ गए हैं या यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आजकल प्रेपरेशन करने के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से प्रेपरेशन करें।
सो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप अपने घर पे कंफर्टेबल हैं तो आप घर से भी प्रेपरेशन करना कर सकते हैं. इवन इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अ कोचिंग, तो कोचिंग वाले भी आजकल ऑनलाइन सेशंस भी देते हैं. सो आप अपने घर बैठे बैठे भी कोचिंग ले सकते हैं. सो यू कैन स्टार्ट योर प्रेपरेशन फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेस दैट यू आर कंफर्टेबल इन. और घर में रहने का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि घर में हमें अच्छा खाना पीना भी मिलता है. मामा भी होती हैं घर पे ध्यान रखने के लिए, पापा होते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर होते हैं. सो आपको एक रेगुलर मोटिवेशन भी मिलता रहता है. सो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको घर में कंफर्टेबल है प्रेपरेशन करना, तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कोचिंग. आई वुड से दैट कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर UPSC प्रेपरेशन. हम कोचिंग के साथ भी प्रेपरेशन कर सकते हैं और कोचिंग के बिना भी प्रेपरेशन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर कन्वीनियंस, डिपेंडिंग अपॉन आर यू नो अफोर्डेबिलिटी ऑफ द कोचिंग. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. जैसे मेरी प्रेपरेशन के दौरान भी मैं कई बार मान लीजिए टेस्ट सीरीज़ मैं नहीं ज्वाइन कर पाती थी, तो उस चीज़ को मैंने कभी अपने आगे नहीं आने दिया. मैं खुद उसको प्रैक्टिस करती थी, टेस्ट पेपर्स मार्केट से ले लेती थी और उसको घर में प्रैक्टिस करती थी. सो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने कोचिंग नहीं लिया है तो आपकी प्रेपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आजकल आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे हमें फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं गाइडेंस के लिए, UPSC गाइडेंस के लिए, और बहुत सारे टॉपिक, हर एक टॉपिक पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे. सो आप उसके हिसाब से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से जो जो आपको वैल्यू एडिशन उसमें से मिलता है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं. सो कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस एग्जामिनेशन. यू कैन ऑल्सो सिट विद सम ऑफ द अदर एस्पिरेंट्स जो सीनियर हैं, ऑलरेडी प्रेपरेशन में हैं, ऑलरेडी 2-3 साल से मान लीजिए. सो आप उनसे, उनके साथ बैठकर उनका ओपिनियन ले सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी फ्री सेशंस भी करते हैं वो UPSC गाइडेंस के, तो आप उन सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा. सो आई वुड से दैट इफ़ यू आर डिटर्मिंड एंड यू हैव अ क्लियर गोल, I don't think anybody can stop you. Always remember one thing, that as you progress into your preparation, everything will fall into place eventually. आप खुद ही महसूस करने लग जाएंगे कि आपको automatically चीज़ें समझ आती जा रही हैं कि आपको क्या कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है. So just trust upon yourself और आगे आप बढ़ते चलिए. Now we will talk about notes making. सो मैं आप सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि मैं खुद अपने नोट्स कैसे बनाती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं मान लीजिए मैं जनरल स्टडीज़ की प्रेपरेशन कर रही हूँ मेंस की, तो मैंने एक बुकलेट लगाई हुई थी और मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, GS पेपर 1, 2, 3 एंड 4. और उन 4 पार्ट्स में भी मैंने थोड़ा टॉपिक वाइज पेपर्स थोड़े थोड़े डिवाइड कर लिए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेपर 3 में जैसे इन्वायरमेंट है, इकॉनमी है, तो मैंने उस सब्जेक्ट वाइज भी अपनी कॉपी को डिवाइड कर लिया था. तो जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी या फिर मैं कहीं से अपनी रेगुलर स्टैटिक प्रेपरेशन कर रही होती थी, तो मुझे मान लीजिए कुछ वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें मिलती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए नया जजमेंट आ गया है, तो वो सारी चीज़ें मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ पर था वहीं पर नोट डाउन करती थी, ताकि मेरी प्रेपरेशन स्ट्रीमलाइन भी रहे और मेरे नोट्स भी स्ट्रीमलाइन रहें. इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी. और आई थिंक कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटा था जो करंट अफेयर्स में मैंने कवर नहीं किया था अपने नोट्स में. सो इट हैज़ रियली हेल्प मी ड्यूरिंग माई मेन्स एग्जामिनेशन. अब मैं ये बताऊँगी दैट एट दिस स्टेज आप लोग कैसे नोट्स बनाएंगे. आई थिंक मोस्ट एट दिस स्टेज यू गाइज विल बी रीडिंग ओनली NCERTs एंड न्यूज़पेपर. सो आप ऐसा करिए, आप अपनी एक कॉपी लगा लीजिए, उसको आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी. तो जैसे आप NCERT पढ़ेंगे, तो मान लीजिए आप हिस्ट्री के NCERT पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आप बाद में भूल सकते हैं, तो उस चीज़ को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं. या फिर अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको नोट्स बनाना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो वो उस पर्टिकुलर पोर्शन को भी बुक में ही हाइलाइटर के साथ मार्क कर सकते हैं. बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है. इससे क्या होता है कि आपकी मेंटल एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, और अगर कोई चीज़ आप अपने हाथों से लिखते हैं तो एक तरह से उसकी एक पिक्चराइजेशन भी आपके माइंड में बैठ जाती है, जो इवेंचुअली आपको बाद में भी हेल्प करती है.
So I would say that you should have a proper and streamlined way of making your notes. अब ऐसा नहीं है कि रेंडमली आप अपने नोट्स बनाते जाएं और बाद में सब हॉच पॉच हो जाए, आपको समझ ही ना आए कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी थी. ये मेरे साथ हुआ था जब मैं बिगनर थी, जब मैं अपनी प्रेपरेशन करती थी, बिकॉज देर वॉज नो वन टू गाइड मी. तब मैं क्या करती थी, अपने नोट्स बनाती थी ऐसे रेंडमली, जो मिलता था बस उसको लिखती जाती थी, जो मुझे चीज़ इंपॉर्टेंट लगती थी. बट बाद में फिर मुझे ये दिक्कत आती थी कि मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें फिर एक जगह पर नहीं मिल पाती थी. सो ये इम्प्रूवमेंट मैंने फिर इवेंचुअली नेक्स्ट टाइम जब मैंने अपना दोबारा से प्रेपरेशन किया तो मैंने फिर वो इम्प्रूवमेंट की थी इस चीज़ को लेके. नाउ आई विल टॉक अबाउट द नोट्स मेकिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो मैंने उसके लिए क्या किया था, एक नोटबुक लगा ली थी. तो उसमें मुझे कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट लगता था तो मैं उस फैक्ट्स को वहाँ पर अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लेती थी. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जैसे अभी चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान हुआ है या फिर टोमेटो वायरस है न्यूज़ में, तो मैं एक हेडिंग बना लेती थी कि टोमेटो वायरस और उससे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो चीज़ें थी वो मैं उसको एक जगह पे लिख लेती थी बहुत ही ब्रीफली, ताकि बाद में रिवाइज करना भी इजी रहे और बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में वो नोट्स ना बने. सो इस तरह से आप प्रीलिम्स को डेडिकेटेडली आप एक अलग नोटबुक दे सकते हैं जो कि आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइम टेबल. I would say that since most of you would be going to your schools and everything, so अभी आपके पास उतना ज़्यादा time नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा time UPSC के लिए अभी दे सकें. और मेरी माने तो अभी इतना ज़्यादा time आपको देना भी नहीं चाहिए और आपको अपने school पर भी focus करना चाहिए. These school days are never gonna come back, तो इसको भी आप fully enjoy करें. हाँ, मैं खुद अपने school days को बहुत miss करती हूँ. तो अपने स्कूल डेज़ को भी फुली इन्जॉय करें और अपनी प्रेपरेशन भी साथ साथ में करते रहें. जैसे आप डेली अगर आप एक घंटा भी आपके पास शाम को निकाल सकते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट. आप उस एक घंटे में कोई एनसीईआरटी एक उठा लीजिए तो उसको आप पढ़िए. और फिर न्यूज़पेपर, जैसे मैंने आपको बताया है, न्यूज़पेपर तो आप डेली मॉर्निंग के टाइम, मान लीजिए आप पापा के साथ बैठे हैं, मामा के साथ बैठे हैं, तो उस टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. और एक चीज़ और भी बोलूँगी कि जब वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे हैं, संडे है या फिर कोई हॉलीडे, नेशनल हॉलीडेज होती हैं, तो उस टाइम पे आप 4-5 घंटे अगर निकाल पाएँ तो वो अच्छा रहेगा, अगर आप थोड़ा डेडिकेटेडली प्रेपरेशन करना चाहते हैं. सो आई वुड से अभी आप इस लेवल पे आप अभी इतना ही करिए. जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या जब आप और इसको थॉरली प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि टाइम टेबल हमें कैसे बनाना है, तो उसमें मैं पूरी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड वन थिंग दैट यू शुड मेक योर शेड्यूल फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर अ वीक. आप जब अपना टारगेट सेट करते हैं उसको बहुत लंबा टारगेट मंथ सेट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जैसे 1 month का टारगेट सेट कर लेते हैं, तो 1 month का भी आप मोटा मोटा टारगेट सेट कर सकते हैं, बट उसके अंदर फिर आप वीकली टारगेट सेट कर लीजिए कि इस हफ्ते में मान लीजिए मुझे ये वाली 2 books हैं, मुझे वो कंप्लीट करनी है, तो फिर आप उस हिसाब से अपना मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, किसी दिन ऐसा होता है हमारा मूड भी अच्छा नहीं होता है या हमें कुछ और काम में हम फंस जाते हैं तो हमारा उस दिन का टारगेट पूरा नहीं हो पाता. इसलिए जब आपके पास वीकली शेड्यूल रहेगा तो आपके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है ताकि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकें बाय द एंड ऑफ दैट वीक. Now we will talk about the values that are required in an aspirant. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं एक प्रेपरेशन करती थी अपनी, तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैंने हमेशा उसको अपने रूम में लगाया होता था. एंड दैट इज, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. तो जब तक आप अपने गोल पर नहीं पहुँच जाते हैं, आप अपनी कोशिश, अपनी मेहनत उसको जारी रखिए. और मैं ये कहूँगी कि आप एक अपना पर्टिकुलर शेड्यूल बना लीजिए इस एग्जामिनेशन के लिए. डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, फोकस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. मैं ये बोलूँगी कि हार्ड वर्क जो लोग करते हैं, मतलब किस्मत भी उनका ही साथ देती है. तो अगर आपको गुड लक अपने लिए लेकर आना है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा. मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. सो जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो जो नेचर है वो भी आपका साथ नहीं देती है. तो इसलिए आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा खुश रहें, अपने आसपास लोगों को भी हंसाते रहें. आप अपने मम्मी पापा की बात माने, अपने टीचर्स की बात माने, वो बहुत जो भी आपको सिखाते हैं उसको एक अच्छे तरीके में सीखें. आप अपनी पॉजिटिविटी हमेशा अपने आसपास रहने दें. आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें.
वो ऐसा बोला जाता है ना दैट अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी. सो अपनी फिटनेस को हमेशा मेंटेन रखें. आप जैसे आप ये खुद फील करेंगे कि अगर आप फिट हैं, मतलब अगर आप डेली कुछ फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपकी बॉडी लाइट रहती है, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा और आपकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा अच्छी हो पाएगी. सो आई वुड से आप स्कूल में जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आप स्पोर्ट्स खेलें. और अगर आपको कुछ और भी चीज़ें पसंद है, जैसे आपको पेंटिंग पसंद है, आपको डांस करना पसंद है और आपको घूमना फिरना पसंद है, तो आप जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें. और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा यूपीएससी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप जैसे जैसे थोड़ा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप इवेंचुअली आपको मैच्योरिटी और उतनी समझ भी आ जाएगी कि आपको ये एग्ज़ामिनेशन कैसे करना है और उसके लिए क्या करना है. सो आई वुड से मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ हमेशा हैं और मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा अपनी ज़रूर हेल्प दूंगी आप सबको. और आई होप ये वीडियो बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड वे में मैंने इसको करने का कोशिश की है. आई वुड ऑल्सो से दैट देर विल बी टाइम्स वैन देर विल बी इमोशनल सेटबैक्स, सो देर विल बी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस इन योर लाइफ. तब भी आपने पीछे नहीं हटना है, आपको फेलियर्स देखने को मिलेंगे, तब भी आपने रुकना नहीं है. मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे बट मैं कभी रुकी नहीं. सो आप चाहे मतलब लाइफ में कोई भी स्टेज आ जाए, आपको बस अपना जो गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ते जाना है. और आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि जैसे आप कोई फेलियर देखते हैं आपको बहुत एक इनर स्ट्रेंथ मिलता है उससे. जैसे ही आप और आगे बढ़ते जाएंगे आपको आपकी आप ये महसूस करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ती जा रही है, आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन और बढ़ता जा रहा है. सो आई वुड से माय बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ़ यू. और आप अपना जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसको बहुत ही एक पॉजिटिव, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से करिए. आई रियली होप दिस सेशन वॉज सिंपल एनफ फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. सो लेट मी नो. थैंक यू सो मच.